इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है। भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर, गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर बढ़ा। जलस्तर बढ़ने से कई घर हुए जलमग्न। तो प्रयागराज से बड़ी खबर है इस वक्त की, गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। जलस्तर से चलते जलमग्न हो गए हैं कई इलाके, बचाव और राहत कार्य जारी है। सीएम योगी का गाजीपुर दौरा, सीएम योगी ने बाढ़ ग्रस्त इलाकों का किया निरीक्षण। लखनऊ में कानून मंत्री बृजेश पाठक ने लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याओं का किया निवारण। सेंसेक्स 55,000 अंक के पार, 220 पॉइंट की बढ़त के साथ खुला। लखनऊ में 4 दिन तक चलेगा वृक्षारोपण अभियान, 1,000 पेड़ लगाकर पर्यावरण को दिया जाएगा बढ़ावा। आजमगढ़ में नेशनल इंडस्ट्रीज पर जीएसटी टीम की छापेमारी, लगभग 9 घंटे तक खंगाले रिकॉर्ड। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की खास खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजीपुर के गरमहर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया। बाढ़ के मद्देनजर राहत बचाव कार्य के हालात का जायजा लेने सीएम योगी पहुंचे। सीएम योगी गहमर इंटर कॉलेज में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी की। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की। योगी ने बाढ़ पीड़ितों से भेंट कर उन्हें राहत सामग्री वितरित की और जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गंगा नदी के तटवर्ती कुछ जनपद बाढ़ से प्रभावित हैं। 24 जनपदों के 600 से अधिक गांवों में बाढ़ का प्रभाव पड़ा है। ये बाढ़ प्रदेश के अंदर हुई बरसात से कम राजस्थान मध्य प्रदेश में और हरियाणा से कोटा बांध, राजस्थान माता टीला, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश और हथनी कुंड बांध हरियाणा से अतिरिक्त जल छोड़ने के कारण यमुना, चंबल, बेतवा नदी में अत्यधिक जल प्रवाह के कारण बाढ़ से लगभग 24 जनपद प्रदेश के अंदर प्रभावित हुए हैं, जिनमें 600 से अधिक गांव पर इसका असर पड़ा है। मैंने इन जनपदों की व्यापक वहां पर निरीक्षण भी किया है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा भी की। उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने लखनऊ में जनता दरबार लगाया। सरकारी आवास पर जनता दरबार लगाया गया। वहीं इस जनता दरबार में दूर दराज से आए लोगों की समस्याओं को सुना गया। कई लोगों की मौके पर ही समस्याओं का निवारण भी किया गया। साथ ही कुछ लोगों की समस्याओं का अधिकारियों से बात कर निष्कर्ष निकालने के आदेश दिए गए हैं। लखनऊ में 4 दिनों तक वृक्षारोपण अभियान चलेगा। भारत के सह संयोजक शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ पवन सिंह चौहान ने 4 दिनों तक वृक्षारोपण करने का अभियान चलाया है, जिसमें 1,000 पेड़ लगाकर पर्यावरण को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। भाजपा के सह संयोजक पवन सिंह चौहान ने पेड़ लगाकर वृक्षारोपण की शुरुआत की। अलग अलग स्कूलों में, कॉलेजों में खाली पड़ी जगह पर वृक्षारोपण किया जाएगा। बीजेपी संयोजक की तरफ से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण करने की तैयारी की गई है। चार दिन की आज शुरुआत हो रही है, शुभारंभ हो रहा है।
चार दिन तक मुझको लगता है कम से कम 100 स्कूल को और पंचायत घर को टारगेट किया गया है जहां पर वृक्षारोपण किया जाएगा और जिसमें फलदार, फूलदार और छायादार, जिसमें पीपल, पाकड़, बरगद, आम, करेरिया और बहुत सारे वाटरबुश, तो इस तरह के जो गोल मोहर, मतलब सब तरह के पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को फायदा मिले। मुझको लगता है कम से कम एटलीस्ट इन लोगों हम लोगों को पूरा टारगेट किया गया है 1000 वो कम। आजमगढ़ में जीएसटी अधिकारियों को नेशनल इंडस्ट्रीज फर्म द्वारा काफी दिनों से टैक्स चोरी की सूचना मिल रही थी, जिसके आधार पर छापेमारी की गई। इस टीम में वाराणसी के डिप्टी कमिश्नर विजय गुप्ता, मऊ के असिस्टेंट कमिश्नर अरविंद पाठक और आजमगढ़ के ज्वाइंट कमिश्नर राजेंद्र पांडे सहित 40 से अधिक अधिकारी शामिल रहे। नेशनल इंडस्ट्रीज की गिनती पूर्वांचल की बड़ी फर्म में की जाती है। नेशनल इंडस्ट्रीज अलमारी और लॉकर बनाने के साथ फर्नीचर, टेंट, इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल की रोक थोक व्यापार भी करती है। छापेमारी के दौरान रात लगभग 9 घंटे तक चली, जगह विवाद हो गया, जिसके चलते छापा मारने पहुंचे अधिकारियों ने अपने साथ हुई अभद्रता और जांच में सहयोग न करने और फर्म मालिक ने टीम पर घूस मांगने का आरोप लगाया, जिसको लेकर दोनों तरफ से थाने में तहरीर दी गई है। इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, 9 घंटे तक जो कार्रवाई चली है उसमें क्या कुछ निकल पाया है? जैसा कि बताया कि आजमगढ़ के इंदिरा बाजार में एक नेशनल इंडस्ट्री कंपनी है जो काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि इनका कुछ काम सही से नहीं हो पा रहा था और आयकर बिल भी नहीं सही जमा कर रहे थे, और इसलिए टीम ने आज उन्होंने छापेमारी की है। इसमें वहां पे तुम तमाम जितनी भी समस्याएं हो गई और जो जो आप जिसके ऊपर दर्ज की गई उसका आरोप है कि पैसे से डिमांड किया जा रहा अधिकारियों का जो हम नहीं दे पाए, जिस तरह हमारे साथ उन्होंने एफ आई आर किया है। तो 9 घंटे तक इस कार्रवाई के बाद क्या कुछ मिला है उनके खिलाफ, नेशनल इंडस्ट्रीज के खिलाफ जीएसटी टीम को? कई जिसे क्या फैसले की वहाँ पे जो भी टीमें आई थी, जो अधिकारी लोग आए थे, उनका यही कहना था कि ये जो भी डॉक्यूमेंट कुछ मिले हैं जो पेंडिंग थे और कई साल से इनका आयकर और कुछ जीएसटी का बिल भी था जो समय से जमा नहीं कर पाए हैं, और भी जो भी इनका जो कार्य था उनपे कई कुछ कमियां भी दिखाई दी हैं, तो पर उन्होंने कार्रवाई की है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगरा के पुलवामा हमले में शहीद हुए कौशल रावत की स्मारक की विद्युत सप्लाई बंद हो गई है। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक स्मारक की विद्युत सप्लाई शुरू नहीं हुई है। पुलवामा हमले में शहीद हुए कौशल रावत के स्मारक में कल से अंधेरा छाया हुआ है। वहीं शहीद के परिवार वालों ने टोरेंट में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। टोरेंट पीआरओ से बात करने के बाद पर शहीद के परिवार को कोई समाधान नहीं मिला है। समस्या है कि कल रात की लाइट खराब है ये स्मारक पे, मैं रात को लाइट जलाने गई थी तो वहाँ लाइट नहीं जली है, और रात को सब जगह फोन किया, पावर टोरंट पावर में किया और नवीन जैन जी के पास किया, ATM सिटी के पास किया, और पता नहीं वो लाइट हमारी वहाँ से कनेक्शन काट दिया है, क्या कर दिया है, और अभी भी मैंने अभी जाके देखा है तो अभी कोई सही करने नहीं आया उस लाइट को। घर में कनेक्शन तो वो जब देंगे, जब मेरे शहीद तो अंधेरे में खड़े हुए हैं तो मुझे लाइट। शाहजहांपुर के गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब नदी से निकला मगरमच्छ गांव में घुस गया। आनन फानन में गांव वालों ने वन विभाग को सूचना दी, जहां वन विभाग और ग्रामीणों ने मिलकर मगरमच्छ को पकड़ लिया। मगरमच्छ को कब्जे में लेकर वन विभाग की टीम में गोमती नदी में छोड़ दिया गया। इसके बाद गाँव वालों ने राहत की सांस ली। पंडित दीनदयाल उपाध्याय योगा संस्थान के अंतर्गत पूरे औरैया जिले में योग शिविर लगाया जा रहा है। इसी के चलते इरवा कटरा ब्लॉक परिसर में 15 दिन योग शिविर लगाया गया। बड़ी संख्या में महिला और पुरुष योग सीखने आते हैं। योग सिखाने के लिए योग शिक्षक मनीष शर्मा अयोध्या आए हुए हैं। योग शिक्षक मनीष शर्मा ने बताया कि योग करने से सारे रोग दूर होते हैं। योग शिविर का कार्यक्रम सुबह 5 बजे से 8 बजे तक का है। उन्होंने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य जो हाल ही में सरकार द्वारा योग शिक्षक की भर्ती होनी है, जिसमें प्राइमरी स्कूल में बच्चों को योग सिखाया जाएगा, जो भर्ती होगी वो इन्हीं लोगों में से भर्ती की जाएगी, जिसमें 15 दिन बाद एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
जी, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय योगा संस्थान उत्तर प्रदेश की तरफ से आपके औरैया डिस्ट्रिक्ट के हर ब्लॉक में, जैसे कि सहार ब्लॉक में कंप्लीट हो चुका है, उसी तरह आपके एरवा कटरा ब्लॉक में भी आपको ये ट्रेनिंग दी जा रही है योगा की, 15 दिन निःशुल्क। इसमें 15 दिन जो भी स्टूडेंट आएंगे उनको योग सिखाया जाएगा, उनकी उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए और उसके बाद में उनको 15 दिवसीय। जौनपुर जिले के रामपुर थाना में पूरा परिसर तालाब में तब्दील हो गया। जिला प्रशासन और सरकार तमाम वादे करते हैं कि पुलिस को हाईटेक किया जा रहा है। बता दें कि जौनपुर थाना पूरी तरह से पानी में डूब गया है। सीतापुर में घाघरा नदी अपने उफान पर है। लगातार गांजरी क्षेत्र में बाढ़ अपना कहर बरपा रही है। वहीं इस बाढ़ के कारण रेवसा ब्लॉक क्षेत्र में सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए। गांव छोड़कर रोड पर लोग झुग्गी झोपड़ी और पॉलिथीन डालकर गुजर बसर कर रहे हैं। वहीं अगर बताएं कि बात की जाए जिला प्रशासन द्वारा राहत बचाव सामग्री की, तो कोई भी ऐसी बचाव राहत सामग्री नहीं दी जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि हमारे पास भोजन पकाने तक के लिए लकड़ियां तक नहीं है, क्योंकि ना ही उनके पास रसोई गैस है और जो जंगल था जहां से लकड़ियां लाते थे वो सब जलमग्न हो चुका है। जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ राहत कार्य सभी कागजों पर ही खाना पूर्ति कर दफन हो जाते हैं। किसानों ने लखनऊ के थाना सरोजनी नगर का घेराव किया। किसानों ने आरोप लगाया है कि थाना प्रभारी सरोजनी नगर पीड़ित की आवाज को दबाते हैं और भूमाफियाओं से पैसा लेकर उन्हीं की बात सुनते हैं। अगर हम थाने जाते हैं तो थाना प्रभारी अभद्र भाषा में बात करते हैं। बता दें कि किसानों की भूमाफिया द्वारा जमीन कब्जा करने को लेकर थाना में शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं करने को लेकर थाने का घेराव किया गया। किसानों के मसीहा भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान सरोजनी नगर थाने पहुंचे और किसानों के बीच जाकर किसानों की पीड़ा सुनी, जिसके बाद किसानों के सामने भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान ने एसीपी स्वतंत्र सिंह कृष्णा नगर को ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि अगर भूमाफियाओं पर कार्रवाई नहीं होगी तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। जिस तरह से आम आदमी के साथ ये जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, यहाँ तक संगठन के मुख्य पदाधिकारी दुर्गादीन लोधी जी के साथ ये जिस अभद्र भाषा में बात कर रहे थे, वो भाषा एक अधिकारी की नहीं हो सकती है, एक पढ़े लिखे व्यक्ति की नहीं हो सकती है, एक कुर्सी पर बैठे हुए जिम्मेदार कर्मचारी की नहीं हो सकती है। जबकि उत्तर प्रदेश के मुखिया कह रहे हैं कि थाना ब्लॉक तहसील में आने वाले पीड़ितों से प्रेम से व्यवहार किया जाए, उनको कुर्सी पर बिठाया जाए, उनको एक गिलास पानी पिलाया जाए, उसके बाद उनकी समस्याओं का समाधान। कानपुर में डीसीपी साउथ ऑफिस के बाहर देर रात बजरंग दल कार्यकर्ताओं का हनुमान चालीसा पाठ शुरू हो गया। बता दें कि धर्मांतरण के आरोप पर मुस्लिम परिवार को पीटने के साथ जय श्री राम के नारे लगवाए गए थे। वहीं मारपीट और नारे लगवाने के मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई से नाराज कार्यकर्ताओं ने डीसीपी ऑफिस का घेराव किया, जिसके बाद मौके पर कई थानों की फोर्स मौजूद रही। देखिए, हमारी मलिन बस्ती में रहने वाली नाबालिग दलित बहन के साथ मुस्लिम पक्ष के कुछ लड़के जो लगातार उनको परेशान कर रहे थे, बहुत ही गलत तरीके से उनको परेशान, मारना पीटना, उन पर कमेंट करना, इस तरीके की लगातार उनके साथ बदसलूकी चल रही थी, जिसके चलते हमारी बहनों ने यहां पर तहरीर भी दी, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। बर्रा थाना क्षेत्र में कल हुई मारपीट के संबंध में 3 अभियुक्तों को आज गिरफ्तार किया गया था। राहुल, अमन और राजेश, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके आगे की। उत्तर प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।